एक खास सेगमेंट कवर कर लेते हैं 2 घंटे के 2 दमदार ट्रेडिंग कॉल्स जाने का। कुणाल, आपकी तरफ से 2 ट्रेडिंग कॉल्स कौन से होंगे आज के लिए? मुझे थोड़े से रिस्की बेट है क्योंकि मार्केट नीचे आ रहा है, तो हमें इसमें बाइंग आइडियाज देखने होंगे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल पॉइंट ऑफ व्यू से। जो मैं पहला स्टॉक रेकमेंड कर रहा हूँ वो है टाटा स्टील का। देखिए, ये काउंटर एक अच्छी सी रुझान में 3-4 दिनों से चल रहा है और गिरावट में भी ये काउंटर नीचे नहीं आ रहा है, विच इज शोइंग द रेजिलियंस ऑफ द काउंटर। प्रेजेंट लेवल पे खरीदारी कर सकते हैं, 1045 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रखना होगा और इसका जो पहला टारगेट बनेगा वो 2 या 3 दिन का 1100 तक का बन सकता है, जो मेटल सेगमेंट से है। और जो दूसरा काउंटर है वो रिलायंस का है। रिलायंस नियर टू स्टॉप लॉस ही एज ऑफ नाउ चल रहा है, हमें सिर्फ क्लोजिंग बेसिस पे इसका स्टॉप लॉस रखना होगा 2630 का। काउंटर एज ऑफ नाउ 2629 और 2630 पे ही चल रहा है, ऑलमोस्ट वही लेवल पे है, लेकिन ये स्टॉप लॉस हमें क्लोजिंग लेवल पे रखना है और इसका टारगेट कम से कम 2700 का आ सकता है। दोनों काउंटर अच्छी रुझान में ऑलरेडी है, आई थिंक ये करेक्शन में हमें इस दोनों काउंटर में बाइंग अपॉर्चुनिटी का फायदा लेना चाहिए। ओके, ठीक है, तो ये 2 स्टॉक्स आपको बता दिए गए हैं, यहाँ पर आप नजर रख सकते हैं। ये राय कुणाल की तरफ से, लेकिन थोड़ा रिस्की बेट है तो स्टॉप लॉस का यहाँ पर आप ज़रूर ध्यान रखें। इस बीच मार्केट देखिए अब 16,400 के भी 500 के भी नीचे आ चुका है, 16,490 के आसपास कारोबार कर रहा है। कुणाल, काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव दिख रहा है इस वक्त मार्केट में। आपसे शो के शुरुआत में वैसे आप कह चुके थे कि एक 16,500 काफ़ी इम्पोर्टेंट सपोर्ट दिखा रहा है और उसके ऊपर हम देख भी रहे कि बार बार एक तेज़ी लौट रही है, लेकिन कल एक्सपायरी का भी दिन है, ट्रेडर्स क्या करें, किस तरह की पोजीशन उनको लेकर जानी चाहिए? सी पूजा, जैसे हमने बात की 16,400 का ब्रेकआउट था काउंटर, और ये जो ब्रेकआउट था वो एक गैप अप ओपन के साथ हुआ था। अगर आप 30 तारीख का बिहेवियर देखें तो एक गैप अप दिखा था। अब ये जो बड़ा सा गैप एरिया चार्ट पे आपको दिखेगा, दैट्स कॉल्ड एज अ डिमांड जोन। सो 16,400 से 500 के बीच का जो जोन है, आई थिंक इसके नीचे एक्सपायरी आना बहुत ही डिफिकल्ट है, एंड आई फील 16,450 से 16,500 वही जोन की फिर से बात कर रहे हैं, वही जोन पे आई थिंक एक्सपायरी आनी चाहिए या तो इसी के ऊपर आनी चाहिए, बट नीचे आने की पॉसिबिलिटी एज ऑफ नाउ बहुत ही कम। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल दिखा रहे हैं, इसके नीचे जाना मुश्किल है, एक्सपायरी रहेगी तो इसके ऊपर ही रहेगी, तो इस रेंज का ज़रूर ध्यान रखें क्योंकि एक्सपायरी है तो एक रेंज में ही आप देखिए कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है, अभी भी ऐसा ही कुछ मार्केट में देखने को भी मिल रहा है, कारोबार कर रहा है। ये जो तेज़ी आई है, ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए, बने रहना चाहिए स्टॉक में, अभी भी तेज़ी की कोई उम्मीद है या फिर अभी इन स्तरों पर थोड़ा रिस्की ट्रेड हो चुका है फाइन ऑर्गेनिक्स पे? सो पूजा, अगर ओवरऑल वैल्यूएशन की बात करें तो 58 प्लस के पीई पे ये काउंटर चल रहा है और पूरे सेगमेंट में अगर आप देखिए तो वैल्यूएशन ऑलमोस्ट 42.5-43 पे है। सो रिस्की जोन तो है, बट ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर किसी के पास ये पोजीशन बनी हुई है तो आप होल्ड कर सकते हैं। इसका एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दीजिए 4700 का और ये पोजीशन होल्ड करिए। ये लेवल पे नई एंट्री करना तो बहुत ही रिस्की होगा। मुनाफा वसूली कहाँ करनी है वो भी बताना बहुत डिफिकल्ट होगा, बिकॉज हमने गए साल भी ऐसे देखा कि बहुत सारे काउंटर्स जो मोमेंटम में होते हैं बहुत लंबे समय तक चलते हैं। सो 4700 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के ये पोजीशन कैरी करिए और जैसे जैसे काउंटर चढ़ते जाता है और ऊपर एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आगे बढ़ाते जाइए, आई थिंक दैट कैन बी द लॉजिकल स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो अगर आपको मुनाफा हो रहा है इस शेयर में तो स्टॉप लॉस ज़रूर लगा लें और अपने मुनाफे को प्रोटेक्ट करें और जैसे जैसे स्टॉक आगे बढ़ता है स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहिए, लेकिन फ्रेश खरीदारी इन स्तरों पर फिलहाल नहीं करें क्योंकि स्टॉक्स काफ़ी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पर आ चुका है, काफ़ी महंगा हो चुका है। अब यहाँ से कैसे कितनी तेज़ी दिखती है, किस स्तरों पर मुनाफा बुक करें, ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा। तो फिलहाल जिनके पास है बने रहिए, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। ये राय आपको कुणाल इस वक्त दे रहे हैं।